प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में आजादी के प्रणेता लक्ष्मण नायक का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण नायक का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ लंबी और कभी न समर्पण करने वाली लड़ाई लड़ी। वे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। आइए देखते हैं लक्ष्मण नायक की जीवन गाथा पर एक रिपोर्ट। यदि सूर्य सत्य है और चंद्रमा भी है तो ये भी उतना ही सच है कि भारत भी स्वतंत्र होगा। ये कहानी है मलका नगरी के गांधी की, जिससे डरकर ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें सरेआम फांसी पर लटका दिया। उड़ीसा के कोरापुट विद्रोह में, जिसने आजादी की लड़ाई में अपनी सबसे बड़ी आहुति दी थी, वे थे लक्ष्मण नायक। जंगलों में वहां के लोगों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा था। लक्ष्मण नायक फिरंगियों की हर चाल पर नजर बनाए हुए थे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर 21 अगस्त 1942 को स्थानीय पुलिस स्टेशन के सामने विशाल धरना दिया। लक्ष्मण नायक के इस धरना प्रदर्शन से हुकूमत इतना बौखला गई थी कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। अचानक हुए इस हमले में 5 क्रांतिकारी शहीद हो गए और कई घायल हो गए, और उन्होंने लक्ष्मण नायक को झूठे केस में फंसा दिया और 29 मार्च 1943 को उन्हें बेरहमपुर जेल में फांसी दे दी गई। आजादी का एक और मतवाला अपनी मिट्टी के लिए लड़ते हुए शहीद हो गया, और उनकी परिकल्पना कुछ ही साल बाद साकार हो गई कि भारत को एक दिन आजादी जरूर मिलेगी। माँ भारती के मतवाले सपूत लक्ष्मण नायक को हम करते हैं नमन।